हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं और अंग्रेजी यानी इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं और आपको बच्चों पास होने का तरीका भी इंग्लिश में बताया जाएगा। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया है रीडिंग। क्वेश्चन नंबर एक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर इसके नीचे पैसेज दिया गया है और इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें पैसे से ढूंढकर करने हैं। पहला क्वेश्चंस देखिए, अकॉर्डिंग टू राइटर, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लीडर्स एंड डिप्लोमेट एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। प्रश्न दो है, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा दे एक्ट हैपजेडली। क्वेश्चन नंबर सी है, दे एम ऑफ द फिलोसफर इज, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर करना है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर डी है, द पैसेज इम्प्लाइज दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग शुड प्रोड्यूस एक्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पाँचवा हमारे सामने, वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्प्लेक्शन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर एफ है, अपोजिट ऑफ राइज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनफॉल। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, जी नंबर है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉट। एच नंबर है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। अगला देखिए, आई नंबर है, एन एक्साइटिंग डेंजरियस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवेंचर। जे नंबर देखिए, अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा फूल। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर वन था वो कंप्लीट हो चुका है। आज ये पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर दो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे क्वेश्चंस दिए गए, ऊपर पैसेज दिया गया है। पहला क्वेश्चंस है, मेक नोट्स ऑन द एवर पैसेज इन पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट दिया गया है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। सो बच्चों, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, पैसेज नीचे क्वेश्चंस दिए गए, यहाँ पैसेज से ढूंढकर हमें इसका नोट मेकिंग लिखनी है। सो बच्चों, आपको नोट मेकिंग लिखने का तरीका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है इसका टाइटल, तो टाइटल में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इसके बाद हमें नोट्स बनाना है, नोट्स में वन लिखना, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, इसके बाद 3, 3.1, 3.2, 3.3। और प्यारे बच्चों, इसके बाद थोड़े से पॉइंट यहाँ पे उठा के कोई सा भी आप लोग पॉइंट लिख दीजिएगा और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, और बाकी जो पॉइंट लिखने हैं इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा प्यारे बच्चों हमें लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखना और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते चलना है। फिर मेन पॉइंट दूसरा लिखना, इसमें अंडरलाइन रहेगी और बाकी सभी में फुल स्टॉप रहेगा। ऐसे तीसरा पॉइंट लिखेंगे और सभी में रहेगा पॉइंट। क्लियर बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अब आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं नोट मेकिंग बार। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है, यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउस बिल्ड 3 ईयर एगो ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल ऑफ द हाउस एंड इट्स लोकलिटी। तो यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो अब बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने लेटर है, तो लेटर का आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और कंप्लीट कर लेना है। आप लोग लेटर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि लास्ट मंथ योर परचेज आ टी वी सेट फॉर्म ऑफ राम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि हमने राम इलेक्ट्रॉनिक से एक टी वी परचेज की है और जो टी वी है वो ख़राब हो गई है, तो उसके लिए हमें मैनेजर को लिखना है अप्लीकेशन। तो इसका आप लोग आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न पाँच, यू आर रंधियो राधा हिंदुस्तान, आप लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, या फिर आप लोग इसका अथवा देखिए, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में हमें यहाँ पर 200 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए, सबसे पहले लिखना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख देना है। आपको अगले पेज में भी थोड़ा सा दो लाइन और लिख देना, आपको 200 वर्ड्स जैसे ही पूरे हो जाएं तो आपको केवल उतने ही लिखने हैं, 200 वर्ड में लिखने हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्रामर। पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी फाइव, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए यहाँ पे और इसमें से हमें एनी फाइव कराने हैं, कोई पांच ही कराने हैं। पहला क्वेश्चन है, आई हैव सीन
डेट डेज लॉट ऑफ प्लेसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। अगला प्रश्न देखिए, आई प्रिपेयर टी डेज कॉफी, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी टू। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री, मैंगोज आर बींग, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉट। आनंद इज एम ए इन इंग्लिश, तो इसका आंसर करना है एन। अगला प्रश्न है, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बट। लास्ट प्रश्न है, वी डेड डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, डू इज डायरेक्टेड एनी फाइव कराने हैं, और ये फाइव नंबर के हैं और सभी क्वेश्चन वन वन नंबर के हैं, तो प्यारे बच्चों आपको इसमें से कोई फाइव ही कराने हैं। यहाँ पे सेवन दिए गए हैं लेकिन हमको अच्छे से ध्यान रखना है, केवल पेपर में हमें फाइव ही लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, द बॉय इज माई कज़न, तो इसका आंसर आपको करना है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कज़न, तो यहाँ पे हु से हमें सेंटेंस बनाना था। अगला प्रश्न देखिए, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियोस, ही रियरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे यूजिंग सो दैट करना है, तो जहाँ पे वेरी या वहाँ पे सो लगा देना है, और जहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे दैट लगा लेना है। आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, हिज ब्रदर इज सो स्टूडियोस दैट ही रियरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरा, हर पेन पुट इंक सम सी इन, रीअरेंज वर्ड करना है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सी पुट्स सम इन इंक इन हर पेन। अगला प्रश्न है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग। अगला प्रश्न है, एज सून एज द बॉय सॉ द प्रिंसिपल दे बिकॉज साइलेंट, यहाँ पे हमें नो सूनर देन का यूज़ करना है, तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा, नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल देन दे बिकॉम साइलेंट। अगला प्रश्न देखिए, दे आर फ्लाइंग काइट, तो इसका आंसर हो जाएगा, काइट्स आर फ्लाइंग फ्लोन बाय देम। अगला प्रश्न है, वी लिव हियर सिंस 1952, तो इसका आंसर होगा, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। तो यहाँ पे अपना सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए सेक्शन डी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और क्वेश्चन फाइव नंबर का आठवां। सो क्वेश्चन देखिए इसके, हु केम टू मीट गांधी जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916। अगला प्रश्न देखिए, वेयर इज कम चंपारण सिचुएटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। लास्ट प्रश्न है, हाउ मैनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2301। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे सामने, नाइन का ये देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तीन नंबर के बच्चों हैं ये क्वेश्चन। नाइन का ये देखिए, पहला है, व्हिच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्राइडे। अगला प्रश्न है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर्स ऑफ द पोयम, तो पहले बच्चों इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, हर मदर। अगला प्रश्न, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लेट। अगला प्रश्न देखिए, नौवें का बी है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो कि चार नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन हिज नोज। अगला है, हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन स्पीच, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, 10 डेज ओल्ड। अगला प्रश्न है, हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बुल एंड द टाइगर। अगला प्रश्न है, गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फॉर्म द पैसेज, तो मेरे बच्चों इसका आंसर करना हो ऑप्शन नंबर ए, एनिमी। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर नाइन वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, और सभी क्वेश्चन जो हैं दो दो नंबर के हैं और पांच क्वेश्चन हमें इनमें से कोई करने हैं। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का एकदम सटीक तरीका ये है कि आपको जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आते हैं, पहले जितने आते हैं आपसे, तो आपको वो वाले सारे के सारे आंसर लिखने हैं। यदि आपसे नहीं आते तो उस चैप्टर के जो भी आपसे जो भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आपको दूसरे का दूसरे में भी आंसर लिख देंगे,
तो 100% गारंटी कि आपको उसमें फुल में फुल नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। यदि आपसे उस चैप्टर के भी आंसर नहीं आते हैं तो आप पैसे से ढूंढकर थोड़ा बहुत रीअरेंज करके लिख सकते हैं, आपको फुल में फुल मिलने की 100% गारंटी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग यहाँ पे देखिए और सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14 भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज अ डेरी गेट इन टू हिज गार्डन।